हेलो स्टूडेंट, आई एम सतवीर सिंह एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेकेंड चैप्टर फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंसिंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, हाउ वी यूज मिक्सड रेफरेंसिंग ऑप्शन एंड हाउ वी राइट फंक्शंस इन एक्सेल। सो लेट्स स्टार्ट our today's online class and move to computer screen. So student, let's start with our today's topic, types of cell referencing. What it means? The way of addressing a cell. In Excel, we address cell in two main way. These are known as relative referencing and absolute referencing. यानी Excel में जो हम cell को represent करते हैं, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग? रिलेटिव रेफरेंसिंग इज़ द नॉर्मल वे ऑफ एड्रेसिंग द सेल लाइक A2, B2, C4 एंड सो ऑन। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक्सेल में हम जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेल का जो एड्रेस होता है, वो कॉलम और उसके रो के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस कॉलम में है और किस रो में है। पहले कॉलम लिखते हैं और फिर उसका रो नंबर लिखते हैं। जैसे A2 का मतलब हो गया एक कॉलम और सेकंड रो। तो जो नॉर्मल वे हम यूज करते हैं सेल को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। इट अलाउ अस टू चेंज द सेल एड्रेस इन ए फॉर्मूला व्हेन इट इज कॉपीड टू सम अदर रो और कॉलम। अगर हम किसी फॉर्मूले को रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू राइट किए हुए हैं और उसको कॉपी करते हैं, तो ये हमें फैसिलिटी देता है हम इसके सेल एड्रेसेस को फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। दिस सेल एड्रेसेस चेंज अकॉर्डिंग टू द रो और कॉलम वेयर द फॉर्मूला कॉपीड। जैसे ही हम फॉर्मूला कॉपी करेंगे, ये उन रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग sometimes we may not want Excel to change the cell addresses when we copy a formula to another cell. कई बार ऐसा होता है कि जब हम सेल को कॉपी करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो फार्मूला में चेंजेज हों। इस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मैथड का। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मैथड में हम क्या करते हैं? द एड्रेस ऑफ ए सेल इज मेड मिक्सड बाई पुटिंग ए डॉलर साइन बिफोर ए बोथ द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर। यानी कि कॉलम और रो नंबर को लिखने से पहले हम उसके आगे क्या करेंगे, डॉलर साइन पुट कर देंगे। जैसे अगर रिलेटिव रेफरेंसिंग में कोई सेल का एड्रेस है C6, तो उसको अगर हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में राइट करना है, तो हम कैसे राइट करेंगे? हम यहाँ मेंशन करेंगे $C$6, यानी सी कॉलम सिक्स्थ रो। अनदर वे ऑफ एड्रेसिंग द सेल इन एक्सेल इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होता है? अगर हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग की बात करें, तो इन मिक्स्ड रेफरेंसिंग ए पार्ट ऑफ सेल एड्रेस आइदर रो और कॉलम रिमेन्स रिलेटिव वाइल द अदर पार्ट इज मेड एब्सोल्यूट बाय फिक्सिंग ए डॉलर साइन अगेंस्ट इट। मीन्स हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग में रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों ही फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे डॉलर साइन का भी यूज करेंगे एक पार्ट में और एक पार्ट को नॉर्मल रिलेटिव की तरह छोड़ देंगे। जैसे G$6 वेयर G इज ए रिलेटिव कॉलम एंड $6 रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट रो। और इफ़ वी राइट $G6, इट मीन्स G इज ए एब्सोल्यूट कॉलम एंड 6 इज ए रिलेटिव रो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड एड्रेसिंग और रेफरेंसिंग। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शंस इन MS Excel। वॉट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? ए फंक्शन इन MS Excel इज ए प्री डिफाइंड फार्मूला डैट अलाउ अस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंप्यूटेशन like adding, finding the sum of cell values, finding average of cell values and so on. यानी कि हमारे functions जो हैं, formula जो हैं, ये predefined होते हैं और ये हमें facility देते हैं कि किसी भी तरह का computational work जो है हम Excel में इसके through implement कर सकते हैं। अब Excel में function write करने का कुछ rules हैं, regulations हैं,
मैंने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल सेशन में बताया था, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से एक्सेल में हम फंक्शन को राइट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल साइन, इसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन बिगिनिंग पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स एंड एंडिंग पैरेंथिस, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और उसके बीच में हम आर्गुमेंट्स राइट करेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन यूज करना है, जैसे अगर हमें सम करना है तो हम किस सेल से लेके किस सेल तक समेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर मैंने A2 कॉलन E6 लिखा है तो A2 से लेके E6 सेल तक के जितने भी वैल्यूज हैं उनका समेशन जो है वो मेरे रिजल्टेंट सेल में शो करेगा। नेक्स्ट हेडिंग, सम कॉमन एक्सेल फंक्शंस। कुछ कॉमन एक्सेल के फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसमें से पहला फंक्शन है सम, जिसको मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्लास में बता चुका हूँ कि सम फंक्शन का यूज क्या होता है। इट फाइंड्स द सम ऑफ वैल्यूज गिवन टू इट एज द आर्गुमेंट, यानी हम आर्गुमेंट में जो भी सेल एड्रेसेस देते हैं उन सेल एड्रेसेस का अगर हमें सम करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, समिशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, सम फंक्शन। देन एवरेज, नाम से ही क्लियर है, फाइंड्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज गिवन इन द आर्गुमेंट। देन मीन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अमॉन्ग्स द आर्गुमेंट, हमने आर्गुमेंट में जितनी भी वैल्यू पुट की हैं उनमें से अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब हम मीन फंक्शन यूज करेंगे। सेम मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अमॉन्ग्स द आर्गुमेंट। नेक्स्ट काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए सेल रेंज, यानी हम आर्गुमेंट में जितने भी सेल पास करेंगे ये काउंट करके बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। अगर मैंने लिखा काउंट A2 कॉलन A9 तो ये रिटर्न करेगा 8, यानी कि ये काउंट करके बताएगा कि कितने सेल हुए, 8 सेल हुए। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक टूडेज ऑनलाइन क्लास देन काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूजर हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो यूट्यूब की तरफ से आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।